14वां दिन लड़ाई थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक दूसरे को आंखें दिखाए जाने की भी कोशिश लगातार इस बीच की जा रही है। बड़ी खबर यह है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की उन्होंने अपील की है। इसके पहले भी उनकी ये अपील मानी नहीं गई थी। जेलेंस्की का कहना है मानवता के लिए नो फ्लाइंग जोन बनाया जाए, भारी नरसंहार की जिम्मेदार दुनिया होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिस यूक्रेन में अलग अलग हिस्सों में लगातार हमले हो रहे हैं, इंसानियत के लिए दुनिया रूस को जवाब दे, जेलेंस्की दुनिया भर से ये बड़ी अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, आज ही उनकी ओर से ये कहा गया कि नाटो में शामिल होने को लेकर जोर नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ नो फ्लाइंग जोन बनाया जाए, इसकी भी अपील दुनिया भर से वो कर रहे हैं।